तो बच्चों एक और अच्छा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। इसमें भी हम लोग एक खास बात सीखने वाले हैं, खास तरीके की बात जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती है। प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है कि एक हमारे पास कॉइल है बेटा, जिसका सेल्फ इंडक्टेंस एल है और इस पूरे सर्किट में एक्टिव रेजिस्टेंस आर है। इस कॉइल का रेजिस्टेंस आर मान लग सकते हैं और बाकी किसी वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है। ये स्विच हमने टी इक्वल टू जीरो पे क्लोज कर दिया, ठीक है। टी इक्वल टू जीरो पे क्लोज किया स्विच, तो इस लूप में कुछ करंट फ्लो करना शुरू कर देती है। फिर आपको बताया जाता है कि टाइम टी डॉट इज इक्वल टू एल अपॉन आर पे हम लोगों ने क्या किया, एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की एक रॉड, इसको हमने इस कॉइल के अंदर, अभी हमारी एयर है इस कॉइल में, ठीक है। फिर हमने इसको आयरन को, एक आयरन की कोर इसके अंदर इंसर्ट कर दी, जिससे इसका सेल्फ इंडक्टेंस अचानक से ईटा टाइम्स इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। अगर आप इसको निकाल लेंगे, आपने पढ़ा ही होगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन होता है, उससे मैग्नेटिक फील्ड कई गुना बढ़ जाती है। फॉर ए गिवन करंट फ्लक्स कई गुना बढ़ जाता है, तो जनरली क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस इंक्रीज कर जाता है। तो आपसे प्रॉब्लम दिया गया कि एट दिस टाइम, आफ्टर दिस टाइम इंटरवल, ठीक है, टी इक्वल टू जीरो पे स्विच क्लोज किया है, इस टाइम पे आपने एक कोर इसमें इंसर्ट कर दी जिससे इसका सेल्फ इंडक्टेंस ईटा टाइम्स इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, सडनली। तो आपको करेंट बतानी है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, when time is less than L by R, ये तो आप जानते हैं, when time is greater than L by R, दोनों टाइम में आपको करंट का टाइम के साथ फंक्शन बताना है। कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है ये, बट इस क्वेश्चन में एक खास इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ट्वेल्थ की फिजिक्स बहुत टफ नहीं अगर देखा जाए ना, क्योंकि उसमें आपको बस बहुत बेसिक इक्वेशंस, बेसिक प्रिंसिपल आपको फॉलो करने होते हैं। मैकेनिक्स में फिर भी आपको दिमाग थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ता है, इनमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। आप अगर सोचो बहुत एक्स्ट्रा टफ क्वेश्चन जेई एडवांस में, तो बहुत एक्स्ट्रा टफ क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन कुछ बातें होती हैं जो इधर उधर से रह जाती हैं, तो कभी कभी हमारा प्रॉब्लम गलत हो जाता है। तो जब इसको हमने इंसर्ट नहीं किया था, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ग्रोथ की इक्वेशन क्या होती है एलआर सर्किट में। तो ई बाई आर वन माइनस ई टू दी पावर आर टी बाई एल, है ना। इस तरह से बच्चों करंट ग्रो करती है इस सर्किट पे, इस तरह से ग्रो कर रही होगी। जब आपने स्विच क्लोज किया होगा टी इक्वल टू जीरो पे, तो जो करंट इंक्रीज कर रही होगी धीरे धीरे आहिस्ते से, वो इस तरह से इंक्रीज कर रही होगी। अच्छा, अब अगर हम देखें कि टी इक्वल टू टी नॉट पे कितनी करंट हमारी ग्रो करके पहुंच जाएगी, तो टी इक्वल टू टी नॉट पे जो, लेट अस सपोज आई वन करंट हमारी है, और आई वन की वैल्यू होगी ई बाई आर वन माइनस, ये एल बाई आर रखेंगे तो वन माइनस वन अपॉन ई, ये आई वन की वैल्यू हो जाएगी। देख लीजिएगा इसकी जो भी वैल्यू है, ठीक है ना, ये शायद 0.63 के आसपास आएगा, देख लीजिएगा। तो इतनी करंट आपकी है जब आपने जस्ट बिफोर इंसर्शन ऑफ दिस रॉड, इंसर्ट करने के जस्ट पहले आपकी करंट इतनी, और जैसे ही आपने इसको सडनली इंसर्ट करेंगे आप, तो मुद्दा यही है, यहीं पर आपको बस समझना है कि जब आप सडनली इसका सेल्फ इंडक्टेंस इंक्रीज करते हैं, जब भी इस तरह से बच्चों सेल्फ इंडक्टेंस इंक्रीज किया जाता है, तो आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप समझ लीजिए, ठीक है, कि फ्लक्स जब भी स्टेप वाइज या सडन चेंजेस किए जाते हैं, ड्यूरिंग सडन चेंज ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, जो फ्लक्स होता है ये कंजर्व रहता है, या आप ऐसे कर कह लो, यू कैन नॉट चेंज द फ्लक्स सडनली, सडनली आप चेंज नहीं कर सकते, फ्लक्स में हमेशा स्मूथ चेंजेस होते हैं। तो आप जैसे सडनली अगर एल को अचानक से बढ़ाएंगे, तो फ्लक्स कंजर्व रहेगा जस्ट बिफोर इंसर्टिंग द रॉड एंड जस्ट आफ्टर इंसर्टिंग द रॉड। ये एक इस क्वेश्चन में खास बात है कि रॉड के इंसर्ट करने के तुरंत बाद की कंडीशन, उधर उस समय की सिचुएशन क्या होगी बच्चों, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं, तो जस्ट आफ्टर अगर हम मान लें, जस्ट आफ्टर t
ठीक है, मान लेते हैं कि करंट I2 हो जाती है, तो फ्लक्स अगर कंजर्व करेंगे तो पहले सेल्फ इंडक्टेंस था L और जो कॉइल से फ्लक्स पास हो रहा था वो L I1 था, I1 जस्ट पहले जो करंट थी, और बाद में ईटा टाइम्स L और ये I2 हो जाती है। तो ये आप देख सकते हैं L से L कट जाएगा, I1 होगा E डिवाइडेड बाई R, 1 माइनस 1 अपॉन ईटा, सॉरी 1 माइनस 1 अपॉन E, और ये 1 अपॉन ईटा आ जाएगा, दिस इज़ योर I2। ये बच्चों I2 की वैल्यू है, मतलब दिस इज़ द करेंट थ्रू द कॉइल जस्ट आफ्टर इंसर्टिंग दिस रॉड। अब आप देखिए, जब हमारा T ग्रेटर देन L बाई R की कंडीशन पे अगर हम जाएं, सर्किट डायग्राम बनाएंगे, तो सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। हम मान के चल रहे हैं कि रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ा है, ठीक है, ये प्रॉब्लम आप समझ के चलो, प्रॉब्लम में आपको गिवन है, ठीक है। अब ये हमारा ईटा टाइम्स एल हो जा रहा है, ठीक है, और ये ई एम एफ है हमारा, और अब हमें करंट बताना है आगे टाइम के साथ कैसे वेरी करेगी। तो अब आप फर्दर इसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, रेजिस्टेंस आर ही है, तो यहाँ से यहाँ अगर बना रहे हैं तो ई माइनस ईटा एल डी आई बाई डी टी माइनस आई आर, ये रेजिस्टेंस इसका होगा, इसे आप चाहो तो सीरीज में लगा हुआ मान सकते हो। कई बार कॉइल में एल और आर दोनों दिए जाते हैं, सिंगल कॉइल इसी का कुछ इंडक्टेंस दिया जाता है, उसी का जो रेजिस्टेंस, तो इसको सीरीज में मानेंगे आप, तो आप माइनस आई आर लिखेंगे, ठीक है, और इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ई माइनस ईटा एल डी आई, ठीक है, या इसको अगर आई आर को मैं उधर कर दूंगा तो इट इज़ इक्वल टू ये आएगा, डी आई को इधर रखना है तो चलिए ई को उधर करेंगे, तो ईटा एल डी आई बाई डी टी, ये एक साइड कर लिया उस तरफ और इस तरफ रहेगा ई माइनस आई आर, ठीक है। अब डी आई डिवाइडेड बाई ई माइनस आई आर, इसे इंटीग्रेट करेंगे और इधर आएगा वन अपॉन ईटा एल डी टी। अब देखिए लिमिट कैसे लगाएंगे, टी इक्वल टू जब एल बाई आर है ना, इस टाइम पे करंट कितनी थी, हमारी करंट थी I1, जो ये वाली करंट हमने निकाली, सॉरी जस्ट आफ्टर, हमने उस क्लोज करने के बाद की बात कर रहे हैं, तो जस्ट आफ्टर मतलब इस टाइम की प्लस L बाई आर प्लस टाइम पे जो करंट थी वो I2 थी। ये I2 इनिशियल लिमिट लगेगी और फाइनल लिमिट I2 की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, और फिर ये जनरल टाइम T है ना। तो इस तरह से आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेंगे, सिंपल इसका माइनस वन बाई आर एल एन आ जाएगा, आप देख सकते हो माइनस वन बाई आर एल एन ई माइनस आई आर डिवाइडेड बाई ई माइनस आई टू आर, इट इज़ इक्वल टू वन बाई ईटा एल, और ये आएगा टी माइनस एल बाई आर, है ना। तो इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई करके इसको सॉल्व कर लेंगे तो करंट की फंक्शन आपको टाइम के साथ मिल जाएगी। इस क्वेश्चन में कुछ भी टफ नहीं है, लेकिन बस एक छोटा सा लॉजिक इम्पॉर्टेंट है कि जब भी इस तरह के सडन चेंजेस आप करेंगे इंडक्टेंस में, तो सडन चेंज आप फ्लक्स में नहीं कर सकते, ऐसे में जस्ट बिफोर द सडन चेंज जस्ट आफ्टर, जब भी सेल्फ इंडक्टेंस में ऐसे बदलाव अचानक से किया जाए, एब्रप्टली करा जाए या सडन करा जाए, तो आप फ्लक्स कंजर्व करेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है इसमें, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें एक अनकॉमन कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, ठीक है। चलिए बच्चों एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 2018-19 में कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन आया था एडवांस में, जिसमें दो इंडक्टर पैरेलल में कनेक्टेड थे, एक रेजिस्टेंस था ईएमएफ था, और मैंने एक तीसरा इंडक्टर भी ले लिया है सीरीज में जानबूझ के इस तरह से। तो इस तरह के प्रॉब्लम में मान लेते हैं यहाँ पे एक स्विच है और इसे हमने T इक्वल टू जीरो पे क्लोज किया है स्विच को, तो हमें सभी में करेंट है ना, ये आई वन, ये आई टू और ये आई, तो ऑफ कोर्स इसमें करंट आई होगी। सभी करंट हमें टाइम के फंक्शन में कैलकुलेट करनी है और स्टेडी स्टेट में भी कैलकुलेट करनी पड़ सकती है। तो और हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन और जनरली सर्किट में हम म्यूचुअल इंडक्टेंस को कंसीडर नहीं करते, तो आपको यहाँ पर कॉइल्स के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है उसको इग्नोर करना है, केवल और केवल सेल्फ इंडक्टेंस काउंट करके कैलकुलेशन करना है।
तो सबसे पहले बच्चों बहुत ही सरल तरीका है, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, फटाफट बता देता हूँ क्या हो सकता है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं, बट चूंकि एडवांस में आ चुका है ऐसा क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं एडवांस में, तो आप कैसे डिवाइड करोगे करंट को वो समझा देता हूँ आपको, ठीक है। तो जब आपने स्विच क्लोज किया था उससे पहले इनिशियली कोई करंट नहीं थी, इनिशियली कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा था इंडक्टर्स के थ्रू, ठीक है। तो सबसे पहले आप डायरेक्टली आप एक सिंपल LR सर्किट की नज़रों से इसे देखो, क्योंकि ये सिंपल LR सर्किट है, पूरा सारे इंडक्टर्स का एक साथ झुंड लगा हुआ है, रेजिस्टेंस का एक साथ झुंड लगा हुआ है, तो बस इसमें दो पैरेलल में कनेक्टेड है, इसलिए मैं यहाँ पे डिवाइड करना कैसे करना है वो सारी चीज़ें बताना चाह रहा था। तो देखो सबसे पहले L इक्विवेलेंट निकाल लो, है ना, विदाउट कंसीडरिंग द म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो इन दोनों का हो जाएगा L इक्विवेलेंट हो जाएगा L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2 प्लस L3, ये सीरीज में हो जाएगा। तो आप सब समझते हैं रेजिस्टेंस की तरह ऐड होंगे, अगर हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कंसीडर ना करें करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट उतना हमारे सिलेबस में म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं है एडवांस के। तो ये L इक्विवेलेंट आ जाएगा, और इसको अगर पूरा एक सिंगल, अब सोचो सिंगल इंडक्टर से आपने रिप्लेस कर दिया, इट इज़ ए सिंपल LR सर्किट, तो करंट का फंक्शन आएगा क्या आएगा, E डिवाइडेड बाई R, स्टेडी स्टेट करंट होगी 1 माइनस ई टू द पावर माइनस RT बाई L इक्विवेलेंट, ये करंट का फंक्शन आएगा, ये करंट का फंक्शन आएगा, ठीक है ना। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट कैसे डिवाइड करते हैं, तो बिल्कुल रेजिस्टेंस के हिसाब से डिवाइड करते हैं, लेकिन कैसे आता है वो देख लो। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो देखो इस वाले में EMF जो होगा या पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और जो दूसरे वाले में होगा वो दोनों सेम कर देते हैं, LdI1 by dt इक्वल टू L2 di2 by dt उड़ा दो, L1 di1 L2 di2, इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉल चेंज, छोटे से टाइम इंटरवल में जितना फ्लक्स इसमें फ्लक्स में चेंज होगा उतना इसमें फ्लक्स में चेंज होगा, L into di, है ना, di मतलब स्मॉल चेंज इन करंट और Li होता है फ्लक्स, तो स्मॉल चेंज इन फ्लक्स कह सकते हो, ठीक है। चलो फटाफट देख लेते हैं, अगर मैं इंटीग्रेट भी करूँ, चूंकि इनिशियली दोनों में कोई करंट नहीं थी, जब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा तो ये जीरो से I2 जाएगा, ये सिमिलर एट द सेम टाइम ये जीरो से I1 जा रहा है, तो आप ऐसे भी कह सकते हो क्योंकि इनिशियल करंट आई वाल दिया, हालांकि डेल्टा फाई वन इक्वल टू डेल्टा फाई है, फाई वन इज इक्वल टू फाई पैरल कॉम्बिनेशन नहीं बोलता, पैरल कॉम्बिनेशन में EMF सेम होता है, मतलब चेंज इन फ्लक्स पैरल कॉम्बिनेशन में सेम होते हैं, फ्लक्स सेम नहीं होते हैं, बिकॉज यहाँ पे दोनों में इनिशियल करंट जीरो थी, इसलिए यहाँ पर L1 I1 इक्वल टू L2 I2 हो जा रहा है। तो अगर 3, 4, 5 जैसे I1 R1 इक्वल टू I2 R2 इक्वल टू I3 R3 होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, बिल्कुल उसी तरह की इक्वेशन बन रही है, तीन अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेटा जुड़े होते तो I1 L1 इक्वल टू I2 L2 इक्वल टू I3 L3 आएगा, बट आया कहाँ से वो आप समझ सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप ये एक और एक तो आप जानते हो कि I1 प्लस I2 इक्वल टू I, इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो I1 आ जाएगा L2 I डिवाइड बाई L1 प्लस L2 और I2 आ जाएगा L1 I डिवाइड बाई L1 प्लस L2। I का फंक्शन आपको दिख रहा है, ये फंक्शन आप पुट कर देंगे I का, तो ये दोनों टाइम के फंक्शन में आ जाएंगे। ये रिलेशन सिर्फ ट्रांजिएंट स्टेट यानी कि टी टाइम पे ही वैलिड नहीं है, ये रिलेशन स्टेडी स्टेट में भी वैलिड है। जैसे स्टेडी स्टेट की अगर हम बात करें तो स्टेडी स्टेट मतलब जो होगी काफ़ी टाइम के बाद, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, तो स्टेडी स्टेट करंट में I की वैल्यू E/R होगी, तो डेफिनेटली I की वैल्यू यहाँ रख दोगे, I की वैल्यू यहाँ रख दोगे तो आ जाएगी, और इस वाले से जो करंट फ्लो होगा I वो तो पूरा का पूरा I होगा, तो जो L3 से करंट पास होगा वो तो पूरा का पूरा I हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब भी आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप इस तरह से प्रॉब्लम अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। तो एक बच्चों मैं और क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, अभी जस्ट इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन किया था उस पर एक का डिफरेंट प्रॉब्लम बनता है, ये तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं बट एडवांस में इस तरह का प्रॉब्लम डिस्कस किया जा चुका है तो इसलिए मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ। अब देखो एक प्रॉब्लम जो मैंने भी इससे पहले बताया था कि आप सडन चेंज करोगे तो फ्लक्स कंजर्व करना है, कभी कभार कुछ क्वेश्चन बनता है ऐसा, अगर मैं कुछ बनाने की कोशिश करूं यहाँ पे, जैसे मान लो
जैसे मान लीजिए ये सर्किट बच्चों हमें दिया जाए, है ना, और यहाँ पर मैंने एक स्विच अप लगा रखा है जो कि भी क्लोज्ड है, और ये सर्किट काफ़ी देर से बंद है, ऐसे ही बंद है, क्लोज्ड है काफ़ी देर से। तो अगर काफ़ी देर से बंद है तो सारा का जो भी करंट फ्लो हो रही होगी वो स्टेडी स्टेट में होगी, है ना, पूरा का पूरा सर्किट जो होगा वो स्टेडी स्टेट में होगा। अब आपसे ये बोला जाएगा कि बताइए अगर मैं ये एक सर्किट काफ़ी देर से क्लोज है, स्विच क्लोज है, सारा सर्किट इस तरह से आफ्टर काफ़ी देर से, सिंस ए लॉन्ग टाइम आप कह सकते हो, ठीक है, काफ़ी देर पहले से बंद है सारा का सारा सर्किट, और ये स्विच भी क्लोज है प्यारे बच्चों, और फिर एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनाएगा, कहेगा ये स्विच अगर मैं खोल दूँ तो स्विच क्लोज खोलने के तुरंत बाद करंट कितना होगा। मतलब अगर मैं स्विच को ओपन कर दूँ, इफ स्विच इज ओपनड, तो ये जो करंट फ्लो हो रही है, या तो इसमें चेंज पूछ सकता है कि सडन चेंज कितना होगा करंट में, या फिर जस्ट आफ्टर ओपनिंग द स्विच आपसे पूछ सकता है कि करंट क्या आएगी। अब अगर तुम देखोगे उससे पहले स्टेडी स्टेट में क्या होगा, ठीक है ना, तो उससे जस्ट पहले स्टेडी स्टेट में क्या हो रहा होगा वो हम देख लेते हैं कि स्टेडी स्टेट में क्या हो रहा होगा। तो हमें पता है कि जब स्टेडी स्टेट में देखेंगे तो ये एक शॉर्ट सर्किट टाइप वायर है, ये वायर के जैसा बिहेव करने लगता है ना, क्योंकि इसमें कोई करंट कांस्टेंट हो जाती है उस टाइम पे, तो डी आई बाई डी टी जीरो होता है, देयर इज नो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस, तो ये सिंपल वायर जैसा बिहेव करने लगते हैं ये। बट ये एक रेजिस्टेंस आएगा, तो अगर मैं इक्विवेलेंट डायग्राम बनाऊं तो ये सिंपल वायर जैसा बिहेव करेगा, ये 2R है, ये E है, और ये सिंपल वायर जैसा बिहेव करेगा, ये सर्किट डायग्राम है स्टेडी स्टेट का। तो आप देख सकते हो जो भी करंट जाएगी वो यहाँ से फ्लो हो रही होगी, यहाँ पे कोई करंट नहीं हो रही होगी, ठीक है, तो ये करंट इस तरह से फ्लो होगी और इसकी वैल्यू होगी E अपॉन 2R। ये जब वो सर्किट क्लोज है बड़ी देर से, तब उसमें बच्चों कितना करंट फ्लो हो रहा होगा उसकी वैल्यू है ये। अब आप अचानक से जब ये सर्किट ये वाला यहाँ से बीच में से ओपन कर दोगे, तो ये आप देखिए ध्यान से, ये फिर 2L है, ये इस तरह से सर्किट बन जाएगा। ये रास्ता तो आपने बंद कर दिया सडनली, ये आपका 2L है, ये L है, और ये यहाँ पे 2R है। तो देखो ये जस्ट बिफोर है ना, ये जस्ट बिफोर की स्टेट मैंने बनाई है, और ये जस्ट आफ्टर की स्टेट बनाई है। यहाँ पे करंट बच्चों I डैश है, ये हमें करंट पूछ लेता है कभी कभी, सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लॉजिक सेम है बेटा। यहाँ पर भी देखो कि पहले करंट फ्लो हो रही थी, इस कॉइल से करंट फ्लो हो रही थी, फिर ये इस कॉइल के सीरीज में ये कॉइल आ जा रही है अचानक से, तो आप कह सकते हो सिस्टम का इंडक्टेंस सडनली चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो बहुत सारे लॉजिक आप लगा सकते हो, लेकिन एक जब सही सवाल करोगे तो यहाँ पर भी आपको इस पूरे सिस्टम में फ्लक्स कंजर्व करना होगा। जब भी सडन आप चेंज करोगे इंडक्टेंस का, तो यू कैन नॉट, अगर करंट चेंज नहीं हुई, आप सोचिए करंट चेंज नहीं हुई तो फ्लक्स चेंज कंजर्व नहीं रहेगा, क्योंकि फ्लक्स में सडन चेंज आप नहीं कर सकते हो। तो जब भी अदर इंडक्टेंस या और किसी चीज़ में सडन चेंज किया जाता है, तो फ्लक्स कंजर्व करके हम अदर चीज़ों में वेरिएशन निकालते हैं कि कैसे हुआ होगा। तो देखो पहले फ्लक्स कितना था, L इंटू आई, इतना फ्लक्स था L इंटू आई, ये L था, I की वैल्यू E बाई 2R थी, ठीक है, इसमें तो कोई करंट था ही नहीं, ठीक है, बाद में ये 3L हो जाएगा और I की वैल्यू मान लेते हैं I डैश, तो I डैश की वैल्यू हो जाएगी E डिवाइडेड बाई 6R। तो इस स्विच को खोलते ही, स्विच को खोलने के जस्ट बाद जो करंट की वैल्यू होगी दैट इज E बाई 6R, ये आप याद रखिएगा। पहले कितनी थी, E बाई 2R थी, तो चेंज कितने का हुआ है, E बाई 3R का, तो चेंज पूछ सकता है कि चेंज कितना हो रहा है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।